नमस्कार, फिलहाल कैथल के एक निजी होटल पर हूं, जहां पर रोटरी क्लब द्वारा हरियाली तीज उत्सव को बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। बताता चलूं कि हरियाणा में हरियाली तीज को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हरियाणवी संस्कृति किस तरह की रहती है वो दर्शाया जाता है। आज उसी को लेकर कैथल के रोटरी क्लब द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जो बड़ी धूमधाम से महिलाएं जो इस हरियाली तीज कार्यक्रम को मनाती हुई नजर आ रही हैं, जहां विभिन्न गेमों का आयोजन किया गया। वहीं साथ साथ बात करूं तो रोटरी क्लब की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा नाच गाकर इस उत्सव को बड़ी धूमधाम से मनाया गया। वहीं बातचीत करेंगे यहां के प्रधान रोटरी क्लब के विपुल खुरानिया जी से, और बातचीत करेंगे तमाम जो महिलाएं यहां पहुंचे उनसे, इस हरियाली तीज उत्सव को लेकर उनका क्या कुछ कहना है और इस हरियाली उत्सव तीज को किस तरह से जो है वो मना रहे हैं। फिलहाल कैथल के एक निजी होटल पर मौजूद हूं, जहां पर बड़ी धूमधाम से रोटरी क्लब द्वारा इस उत्सव को मनाया जा रहा है। आज के दिन हम सब लेडीज को इनवाइट करते हैं, इकट्ठे होते हैं, सब लेडीज तैयार होके आती हैं, साड़ी कोई सूट कोई ड्रेस पहन के आती हैं, सब लोग सोलह श्रृंगार करके आते हैं, हाथों में चूड़ियां मेहंदी लगा के आते हैं और सब लेडीज बहुत अच्छी लगती हैं। तीज को त्योहार पे पतंगे उड़ाते हैं तो हम अपने यहाँ टाइट से डेकोरेशन वगैरह करते हैं हॉल वगैरह में, तो तीज का त्यौहार खुशी का त्यौहार है और एक दूसरे को सेलिब्रेशन का त्यौहार है। हैप्पी तीज टू एवरीवन। आज हम सब लोग यहाँ पर मिलकर रोटरी परिवार सारा इकट्ठे होकर तीज का त्यौहार मना रहा है। वैसे तो खुशियाँ चारों तरफ है लेकिन मनाने का बहाना चाहिए, तो इसके लिए आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। खुशियाँ जितनी मिलके बनाओ उतनी बढ़ती है। आजकल परिवार छोटे हैं और समय कम, तो इसलिए हम सब मिलके एक त्योहार मना रहे हैं ताकि सबके दिलों में खुशियां मना सकें, सब मिलके नाच गा सकें और उमंगे जगाएं। हैप्पी तीज टू ऑल। हम तीज क्यों मनाते हैं? तीज शिव और पार्वती के संगम का एक त्योहार है, जिसमें हम हमारा रोटरी परिवार मिलकर खुशियां बांटता है सबको। इसमें हम सारी लेडीज फुल अपने पूरा श्रृंगार करके, सोलह श्रृंगार करके, कुछ लेडीज तो व्रत भी रखती हैं, लेकिन हम इसलिए व्रत के वजह से इस त्योहार को दो चार दिन पहले सेलिब्रेट करते हैं ताकि सब लेडीज इसको एंजॉय कर सकें, सब अपने मन के भाव शिव शंकर को अपने हस्बैंड को दे सकें, इसलिए हमें तीज का त्योहार मनाते हैं। आज किस तरह का कार्यक्रम रहा, क्या कुछ आयोजित रहा इसके अंदर? अभी तो हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, जैसे स्टार्टिंग में हमने पंचुअलिटी निकाली है, उसके बाद हमने एक वेलकम सॉन्ग सबको डेडिकेट किया है क्योंकि सावन का त्योहार है, सावन पे डांस ना हो तो उसके बिना तो नहीं चलेगा। उसके बाद हमने तंबोला की है और अभी हमारा प्रोग्राम काफी लंबा चलने वाला है, तो स्टेट कल ये है कि त्योहारों की मान्यता कम होती जा रही है, तो ये है कि सबको इकट्ठा करके सबको श्रृंगार करने का मौका दे रहे हैं और सबको एक साथ सेलिब्रेट करने का एक मौका दिया जा रहा है। हम सब तैयार होकर के यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि हम जो त्यौहार हमसे छूटते जा रहे हैं उनको हम सेलिब्रेट कर सकें। हम बस यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि जो हमारे रिचुअल्स हैं, जो हमारे त्यौहार हैं, अगर हम उन्हें सेलिब्रेट करेंगे तो हमारे बच्चों में, हमारी आने वाली जनरेशन को भी उन त्योहारों की जो महत्व है वो समझ में तभी आएगा जब हम उन्हें सेलिब्रेट करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज रोटरी क्लब की ओर से? हरियाणवी तीज, हरियाली तीज का महोत्सव हर साल रोटरी की तरफ से हर साल मनाया जाता है, बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और आज भी देख रहे हो आप जैसा कि यहाँ पे सब लेडीज पूरे एंजॉय कर रही हैं, सब बच्चे यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। मैसेज तो यही है, तीज का त्यौहार तो हर सबको मना, ये हमारी संस्कृति का भी पार्ट है